हाय गाइस, सो दिस इज पार्ट टू ऑफ द सेम वीडियो जो आपने पार्ट वन देखा था. इस वीडियो यू विल सी द डिजाइनिंग एंड द स्टाइलिंग पार्ट ऑफ द आउटफिट एंड लेट्स सी कि मम्मी को आउटफिट पसंद आता है, मम्मी वो पहनती हैं कि नहीं. एंड कंटिन्यू वॉचिंग द पार्ट टू ऑफ द वीडियो. सो नाउ द फैब्रिक इज सॉर्टेड. हमारे पास ऑलमोस्ट 8 मीटर्स ऑफ फैब्रिक फॉर स्कर्ट है, फिर 2 मीटर्स, 2 से थोड़ा सा कम, 1.5 अप्रॉक्स फॉर ब्लाउज and then dupatta. So now the fabric is sorted. Now let's go into the stitching part. So for stitching, क्योंकि अब लहंगे में नीचे के साइड पर पूरा प्रॉपर बॉर्डर था, वी कैन नॉट मेक द सर्कुलर लहंगा, क्योंकि सर्कुलर लहंगे में मैक्सिमम फ्लेयर आता है. बट वी कुड नॉट मेक द सर्कुलर लहंगा क्योंकि उसमें नीचे बॉर्डर था, वो बॉर्डर कट जाता. सो वी कुड नॉट मेक द सर्कुलर लहंगा. और मुझे चुन्नट वाला लहंगा भी नहीं बना था कि वो उतना फ्लैटरिंग नहीं लगता मम्मी की बॉडी टाइप पे. सो मास्टर जी सजेस्टेड मी कि हम इसको प्लीटेड लहंगा बनाते हैं टू मेक श्योर वी हैव द मैक्सिमम फ्लेयर, एंड वो सुंदर भी बहुत लगता है एंड उस फैब्रिक पे और सुंदर लगता. एंड फॉर द बेल्ट पार्ट हमने उसमें डोरी डलवाई थी. डोरी में एक बहुत ही प्यारा गोल्डन कलर का लटकन था जो कि बहुत ही सुंदर ट्रेडिशनल उस पूरा आउटफिट को और एनहांस करता था. पूरा ट्रेडिशनल लुक जो चाहिए था वो पूरा ट्रेडिशनल लुक आता. तो ब्लाउज हमने पीछे से बैक में सर्कुलर बैक रखा था. मुझे सर्कुलर बैक वाले लहंगे बहुत सुंदर लगते हैं. ब्लाउज में सामने के साइड पे मैंने लेस ऐड करवाई थी. ये लेस मैंने डली से ली थी, इसमें हल्का सा मिरर वर्क था. डाई होने के बाद ना जो फैब्रिक में गोल्डन वर्क था वो बहुत ब्राइट गोल्डन नहीं था, थोड़ा सा हल्का सा डल गोल्डन था. मैंने लेस भी डल गोल्ड में ले रखी थी जो कि यहाँ पर ब्लाउज की नेक पे लगी थी. उसे बहुत अच्छे फिनिशिंग टच आ गया था ब्लाउज में. एंड दुपट्टा तो ऑलरेडी बहुत सुंदर था, उसमें ऑलरेडी स्कैलप बॉर्डर था तो उससे वो बहुत ही सुंदर लगा था. बट आई रियली वॉन्टेड कि मैं उसमें किरण लेस ऐड करवाऊँ, तो बहुत ट्रेंडिंग है आजकल, बहुत सुंदर लगती है स्पेशली फॉर समथिंग लाइक दिस जो कि बहुत ट्रेडिशनल लुक था. बट आई गेस उसमें वो उतनी अच्छी नहीं लगती, सो वी स्किप दैट पार्ट. हमने उसको एज इट इज छोड़ दिया. एंड लुक एट दिस स्कर्ट, मतलब स्कर्ट रेडी होकर वो इतनी सुंदर लग रही थी. आई कैन नॉट बिलीव, लुक एट माई मॉम्स रिएक्शन, ही वॉज सो हैप्पी लुकिंग एट द स्कर्ट. द पर्सन हु वॉज नॉट रेडी टू एक्सपेरिमेंट वॉज लविंग द आउटफिट, इमेजिन दैट. एंड हियर इज द फाइनल रिजल्ट, दिस वॉज माई मॉम ट्राइंग द आउटफिट. अब इसके बाद फॉर स्टाइलिंग पार्ट आई गॉट दिस लॉन्ग नेकलेस फ्रॉम मिंत्रा. फॉर द इयररिंग्स आई वेंट फॉर झुमकीज विद अ चेन हैंगिंग. एंड मुझे थोड़ा अलग सा एक एलिमेंट ऐड करना था जो कि कॉन्ट्रास्ट हो, क्योंकि काफ़ी मोनोटोन सॉर्ट ऑफ पूरा आउटफिट था. ज्वेलरी भी काफ़ी मैचिंग और मोनोटोन, बहुत ही एक जैसा टोन का था. तो मुझे उसमें थोड़ा कॉन्ट्रास्ट चीज़ें ऐड करी थी. मैंने बैंगल्स के थ्रू कॉन्ट्रास्ट ऐड करा. आई एडेड ग्रीन कलर के बैंगल्स. इफ यू आर गोइंग फॉर समथिंग लाइक दिस यू कैन टोटली स्किप दिस ग्रीन बैंगल्स एंड गो फॉर गोल्डन बैंगल्स, जो कि वो भी बहुत सुंदर लगते हैं. फॉर हेयर स्टाइल आई चूज अ ब्रेडेड हेयर स्टाइल. आजकल ब्रेडेड हेयर स्टाइल बहुत चल रही है एंड ब्रेडेड हेयर स्टाइल में मैंने ये लेस ऐड करवाई थी. ये आप कोई भी रैंडम लेस रैंडम शॉप पे जाके कोई भी गोल्डन लेस लेके आ जाओ, और मैंने इसको बस लपेट के ब्रेड में ऐड करवा दिया. उससे इतना सुंदर लुक आया था. और जो ऊपर वाला पार्ट होता है चोटी का, उसमें हमारे मेकअप आर्टिस्ट ने बेबी ब्रेथ लगा दी. मतलब शी एक्चुअली गॉट माई पॉइंट कि मुझे कैसा लुक चाहिए. एंड जस्ट लुक एट द फाइनल आउटफिट, शी वॉज लुकिंग स्टनिंग. मतलब इतना सुंदर फाइनल आउटफिट बन के आया था. ये वॉज सो ट्रेडिशनल येट सो लाइट वेट, जिसको देख के आपको बिल्कुल फील नहीं हुआ कि ये साड़ी नहीं लहंगा है, क्योंकि बहुत ही साड़ी टाइप का लुक था और बहुत ही सुंदर था. बहुत ही उसका फ्लेयर, ओ माई गॉड दिस लुक एट द फ्लेयर, इतना सुंदर फ्लेयर का लहंगा, आई जस्ट लव्ड इट. एंड इतने पैसे में आपको इतना सुंदर लहंगा कहीं नहीं मिलेगा, आई बेट ऑन दिस. मतलब आई हैव बीन ऑन वेडिंग शॉपिंग्स अ लॉट, आई हैव बीन टू चांदनी चौक, आई हैव बीन टू एवरी अदर मार्केट, एंड आई एग्जैक्टली नो कि कितना खर्चा ये अगर आउटफिट कहीं पर सेल हो रहा होता तो कितने का सेल होता. एंड क्योंकि मैंने आप फ्रॉम स्क्रैच बनाया तो कितने का बनाया है. एंड इट वॉज लुकिंग स्टनिंग. मतलब इतना इतना अच्छा फ्लेयर आपको इस बजट में कभी नहीं मिल पाता. इतना सुंदर फ्लेयर इसमें आया था. वो जो पूरा गोल्डन वर्क था वो दैट वॉज ऑल्सो नॉट टू मच और नॉट टू लेस. वो पूरा वर्क एकदम सटल अमाउंट में रखा था. इट वॉज ऑल्सो नॉट टू मच. बहुत ही हल्का हल्का जो पूरे लहंगे में वर्क था, फिर नीचे के साइड पे चौड़ा सा बॉर्डर, वो भी बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं था कि बहुत ओवर पावर करे. पूरी मॉम की पर्सनालिटी भी खेल के आ रही थी और वो पूरा आउटफिट भी उतना ही सुंदर दिख रहा था, इतना सुंदर वो था. नथिंग वॉज ओवर पावरिंग ईच अदर, शी वॉज लुकिंग लाइक दी ग्रूम्स मॉम. दैट्स वॉट आई वॉन्टेड, कि थोड़ा कुछ अलग हो बट नॉट टू मच ऑफ अलग. आई जस्ट होप मैं अपनी शादी तक कुछ एक्स्ट्रा अलग करवा पाऊँ.
बट दैट वॉज इट. आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो. इफ यू गाइज लाइक दिस वीडियो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम बाय.